सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर पैनल्स, उसका इन्वर्टर और बैटरीज। तो ये ऑफ ग्रिड में आता है, एक ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सेगमेंट होता है, मतलब सोलर में। सो वो क्या होता है उसके अगेंस्ट में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। आज हम सोलर पैनल उसके प्राइजेस क्या आते हैं, उसके बाद में इन्वर्टर और साथ ही में बैटरीज। तो लूगार्ड की यहाँ पे बैटरी इन्वर्टर आप देख सकते हैं, तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। सो वन बाय हम सब कुछ डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप सोच रहे होंगे कि एक सिस्टम घर पे लगाना, तो आप लगा सकते हैं। कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आप सिस्टम लगाते हैं सोलर, तो बिल का झंझट हमेशा के लिए दूर हो जाता है। मैक्सिमम लगाते हैं गाँव खेड़े में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइट काफी जाती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी कम रहती है, तो वो हिसाब से वहाँ पे मैक्सिमम यूज होता है। आजकल सभी अपने घर पे भी ये लगाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपको बिल बिल्कुल नहीं आता है, काफी कम हिसाब से बिल आता है। यहाँ पे आपका सेविंग अच्छा खासा हो जाता है, मतलब 1-1.5 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे सब्सिडी भी मिलती है। सो 1-1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर आपसे यहाँ पे जो भी आपके घर का यहाँ पे बिल आता है, वो बिल बिल्कुल ही मतलब कम आता है। मतलब ठंडी के सीजन में तो आपको बिल्कुल ही बिल नहीं आएगा। ऊपर से जितने आपके यूनिट बनते हैं, एमएससीबी की तरफ से आपको पैसा रिटर्न मिलता है। दुकाल में ज्यादा यूनिट होने की वजह से थोड़ा बहुत बिल आता है, पर नहीं के बराबर आपका बिल आता है। और साल के 30-40-50 हजार रुपए तक के आपके सेव हो जाते हैं, जहाँ पे 1.5-2 लाख का ये सिस्टम लगता है, तो 4-5 साल में आपका पैसा टोटली वसूल हो जाता है। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह का सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये सोलर पैनल्स है। आप पहले सिस्टम देख लीजिए, इस तरीके का ये सिस्टम रहेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है लूगार्ड सोलर की बैटरी है, जिसका मॉडल नंबर है LS2006TT। इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे, टोटल 10 बैटरी यहाँ पे लगाया गया है, और साथ ही लूगार्ड का यहाँ पे 7.5 kV का यहाँ पे इन्वर्टर यूपीएस, जिसको बोलते हैं सोलर का, ये यहाँ पे इन्वर्टर लगाया गया है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो 7.5 kV का सोलर हाइब्रिड जो यूपीएस है, मॉडल नंबर है OG7300 और 120 वैटेज के साथ में आता है। यहाँ पे टोटल 10 बैटरी लगी हुई है। 10 बैटरी के हिसाब से 120 वोल्ट का ये केवीए है, 7.5 1000 VA इक्वल टू 1 kVA हिसाब से 7.5 के निकल गए, तो 7500 VA के हिसाब से होता है। मतलब आप 7000 VA तक के लोड दे सकते हैं। तो लोड के लिए यहाँ पे हमने कुछ स्क्रीनशॉट दिए हैं, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे ये बाहर सेगमेंट में लगा हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सो वो हिसाब से आउटर में ये सिस्टम लगाया गया है। तो जैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे चार्ट देख के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कहीं मोटर भी होंगी तो वो यहाँ पे, जैसे एग्रीकल्चर मोटर्स वगैरह आती है, यहाँ पे नहीं दी गई है। तो बाकी आप कैलकुलेशन अगर यूज करते हैं, तो हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए कितने का कितना वैटेज होता है। जैसे प्रिंटर का 200, डेस्कटॉप हो गया, फैन हो गया, रूम कूलर हो गए 250 वैट, उसके बाद में लाइट्स यहाँ पे दिए गए, बल्ब दिए गए हैं 40-100, तो इस तरीके से ये वैटेज यहाँ पे दिए गए हैं। रेफ्रिजरेटर उसका 300 वैट होता है, वैक्यूम क्लीनर 1400 वैटेज होता है, वॉशिंग मशीन यहाँ पे दिया है, रूम हीटर 2200 वैट, और कुछ आपकी मतलब मशीनरीज होगी वहाँ पे कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा वैटेज कितना है। तो हिसाब से ओवरऑल कैलकुलेशन करने के बाद में, जैसे 7500 VA मतलब 7.5 kVA मीन 7500 टोटल VA हो गया, उस पर आप 7000 का लोड दे सकते हो हिसाब से। और बात करेंगे कि टोटल 10 बैटरी यहाँ पे कनेक्शन किए, तो 10 बैटरी के हिसाब से 2000 एम्पियर की बैटरी होगी अगर आप उसको कनेक्शन देते हैं। सो उस पर अगर आप मान लीजिए कि 5000 का वैट आप देते हैं, सो 4 घंटा कंटिन्यू चलेगा। वही अगर आप 2000 वैट ही देते हैं, सो 12 घंटा चलेगा। 1000 वैट देते तो 24 घंटा ये कंटिन्यू चलेगा। सो यहाँ पे सोलर पैनल की बात करेंगे, तो 1000 वैट इक्वल टू 1 kW होता है। सो यहाँ पे पैनल्स आप देख सकते हैं, पैनल्स अलग अलग तरीके के आते हैं, जैसे 40 वैट पी, 50 वैट पी, 75, 100, 160, 325, 350 ऐसे वैट पी के हिसाब से आते हैं।
सो इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो पर वैट पीक ये कहीं पे 19 रुपए मिलता है, कहीं पे 17 रुपए, कहीं पे 20 रुपए। तो यहाँ पे जनरली 165 के हिसाब से 19 रुपए के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 3135, मतलब एक जो कम्प्लीटली वहां पे आपको जो दिख रहा है पैनल वो 165 का मान लीजिए पकड़ के चलिए, उसकी एक की वैल्यू अगर 165 का है तो 3135 19 रुपए के हिसाब से। 40 वैट पीक का लेते हैं तो 40 इंटू आप 19 कर लीजिए, उतने वैट पीक का वो रहेगा, पर ये सिस्टम के हिसाब से पैनल यहाँ पे रहेगा। सो 165 के हिसाब से अगर 20 पैनल यहाँ पे लगते हैं तो इसका वैटेज हम प्लस कर लेंगे तो 3000 वैटेज तक के जाता है। ज्यादा लेंगे जैसे 250-300 वैटेज के भी आते हैं, तो हिसाब से आप लेंगे तो उसको 6000 होने तक के जितने लगते हैं वो हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक रफली कैलकुलेशन कर लेते हैं, 165 इंटू 20 पैनल लगाते हैं, सो एक 3000-3500 वैटेज तक ये हो जाता है। इस पे सपोर्ट के लिए 7.5 केवी का हाइब्रिड सोलर यूपीएस यहाँ पे लगाया गया है, जिसकी प्राइसिंग अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसके MRP 1,20,000 रुपए तक के है, पर यहाँ खरीदते हैं तो 60-70,000 रुपए तक के डिस्काउंट के साथ में आपको आने के चांसेस है। केवी के बाद अभी बात करेंगे बैटरी की, तो बैटरी का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, जो हिसाब से हमने आपको पहले बताया है, लिवगार्ड सोलर 200H के बैटरी है और ये बैटरी 60 महीना वारंटी के साथ में आपको मिलती है। और मॉडल नंबर देख लीजिए LS 20060 टॉल टूगेदर की बैटरी है, 200 बैटरी मतलब 20 बैटरी यहाँ पे लगाई गई है, मतलब अगर 20 इसको कनेक्शन देते हैं तो टोटल वैटेज 2000 तक इसका वैटेज सॉरी एम्पीयर तक के जाता है, तो काफी ज्यादा मतलब आपको लोड मिलने के लिए कनेक्शन किया गया है। 10 बैटरी का सेटअप, इसके लिए जो इन्वर्टर भी लगाया गया है 7.5 केवी 120 वोल्ट का ये इन्वर्टर लगाया गया है। सो 120 के हिसाब से इसमें 10 बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, और 10 बैटरी के हिसाब से यहाँ पे सोलर की 10 बैटरी कनेक्ट करी गई है। MRP की बात करेंगे तो 26-27,000 बैटरी की MRP आएंगी, MRP बिना मिलते हुए 19,500 तक की आ सकती है सिंगल बैटरी, और पुरानी रिप्लेस करके लेते हैं तो 17,500-17,500 तक आ सकते हैं सिंगल बैटरी रिप्लेस करके लेते हैं, टोटली नहीं लेते तो 19-20,000 रुपए तक की एक बैटरी आएगी। तो इस सबसे इसका टोटली सिस्टम है जो हमने आपको दिखाया गया है, इसके प्राइसिंग जो कैलकुलेशन करके आपको बताया है। सो दोस्तों अभी हम बात करेंगे टोटल, ये जो जैसे सोलर पैनल है, सोलर पैनल से जो सूरज की किरणें वासी वो चार्ज करेंगी, चार्ज करके वो कन्वर्ट करेंगी, मतलब चार्ज करने के लिए वहां पे आपको एक इन्वर्टर की जरूरत होती है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। सो ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड में आपको इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। बैटरीज आप दोस्तों ये ऑन ग्रिड में बैटरीज नहीं लगाए तो भी चल जाता है, ऑफ ग्रिड में ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं लगाए तो भी चल जाता है, ऑफ ग्रिड में आपको बैटरी लगानी पड़ेगी और इन्वर्टर आपको ये कंपलसरी है क्योंकि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे जो कनेक्शन लगाया गया है ये आउटर में लगाया गया है, बैटरी के हिसाब से जो भी कनेक्शन है वो आपको वहाँ पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मीटर नहीं लगा हुआ है जैसे आप घर पे लगाते हैं, सो आपको वहाँ पे मीटर मिलता है। सो ऑन ग्रिड के हिसाब से MSEB की तरफ से एक इनपुट आउटपुट का मीटर मिलता है जिससे यूनिट जनरेट होता है, वो जनरेट यूनिट आप यूज कर सकते हैं, जो बचे हुए यूनिट है वो MSEB के पास चले जाते हैं, जितने यूनिट बच गए उसका आपको रिफंड मिलता है। सो दुपहर में ज्यादा यूनिट जनरेट होते हैं और आपका यूज भी होता है, ठंडी में कम यूज होता है, सो हिसाब से ठंडी में आपको बिल भी कम आता है और ज्यादा से ज्यादा यूनिट जनरेट होते हैं, सो वो बचते भी है ठंडी के सीजन में, तो उसका आपको रिफंड मिलता है। दुपहर में ज्यादा यूनिट जलता है आपके घर के हिसाब से, लोड के हिसाब से, तो उसका थोड़ा बहुत बिल आएगा आपको, पर ठंड के सीजन में बिल्कुल ही आपको बिल नहीं आएगा। तो ये कंप्लीट सिस्टम, काफी ज्यादा आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। 7.5 का 60-70,000 का इन्वर्टर में बैटरीज आप देख सकते हैं, 16-17,000 की बैटरी है और पैनल्स जो है उसके 19 रुपए के हिसाब से वो पैनल आते हैं, तो पैनल अलग अलग आते हैं, 40, 50, 165 के वैटेज के हिसाब से पैनल्स आते हैं। ये हिसाब से कंप्लीट सेटअप इसका होता है, इसमें आपको कंपनसेशन भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, सब्सिडी रहती है वो कुछ 50% डिस्काउंट या 25-30% डिस्काउंट मिलता है, जैसे 3 लाख का आपका बजट हो गया, 2 लाख का हो गया, तो उसमें 30-40% ये सब्सिडी मिलती है। सो जैसे हमको पता चलता है कि सब्सिडी कैसे है तो उसके अगेंस्ट में भी हम डिटेल में वीडियो ला लेंगे। सो इस तरीके से कंप्लीट यहाँ पे हमने आपको जो बातें बताने की कोशिश करी है, कंप्लीट सेटअप कितने का होता है तो आप समझ गए होंगे आई होप, और कुछ बातें छूट गई होंगी हमसे वीडियो में या बताना रह गया होगा, सो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ जानकारी आपको चाहिए होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, निक्स मान के इंस्टाग्राम का आईडी है,
कुछ भी जानकारी और डिटेल में चाहिए होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो में कुछ कुछ बातें छूट जाती है। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो ला लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, कुछ रहिए, मिलते रहिए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।